हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और एक ह्यूमन, एक इंसान जितना एक्स्ट्रॉर्डिनरी और जितना इंटरेस्टिंग बीइंग है ना, उससे भी कहीं ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी और मिराकुलस उसे बनाने का प्रोसेस है। एंड बिलीव इट और नॉट, एक बच्चा बनाने की प्लानिंग बॉडी उस बेबी के बनने से कई साल पहले से ही करना शुरू कर देती है, एटलीस्ट एक फीमेल बॉडी। अगर हम काउंटिंग डे वन से शुरू करें तो फीमेल बॉडी का सबसे बड़ा सेल ओवम अराउंड 60th डे कंप्लीटली रेडी हो जाता है, और मेल स्पर्म्स को सिर्फ 7 डेज लगते हैं, तो मान लो 60th डे पर वो भी रेडी हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल इन सेल्स को रेडी करना नहीं है, बल्कि इन्हें मिलवाना होता है, क्योंकि आफ्टर ओवम इज रेडी वो उसी दिन ओवरी से निकलकर एम्प्यूलरिस्थिमिक जंक्शन इस रीजन में आकर रुकता है। एंड नाउ दिस इज द स्पर्म्स ओनली चांस। स्पर्म को भी एग्जैक्टली ओवरी के रिलीज के मैक्सिमम 2 से 3 दिन में यहां पर पहुंचना ही होगा, वरना ओवरी आगे बढ़ जाएगा और मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ बहकर निकल जाएगा। एंड सो द रेस बिगिंस, एंड बिलीव मी इट्स नॉट गोना बी एन इजी वन। एंड द रीजन इज क्योंकि एक ओवम के पास ऑप्शंस होते हैं 300 मिलियन स्पर्म्स के। सो नेचुरली यूटेरस भी यही चाहेगा कि द फिटेस्ट ऑफ देम ऑल को ही आगे बढ़ने का मौका मिले, और इसीलिए इस लंबे रेस के रास्ते यूं समझ लो कांटे से भरे हुए होते हैं। सबसे पहले तो फीमेल बॉडी के सोल्जर सेल्स यानी कि WBCs स्पर्म सेल्स को फॉरेन ऑब्जेक्ट समझते हैं और तुरंत उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, और फिर यूटेरस के टॉप पर पहुंच के कौन से फेलोपियन ट्यूब में ओवम सिचुएटेड है वो सही से चूज करना होता है, और वो भी अगर सही से चूज भी कर लिया तो उस ट्यूब में ओवम को यूटेरस की तरफ पुश करने वाले फ्लूइड करंट्स स्पर्म को भी वापस नीचे की ओर पुश कर देते हैं, तो उससे भी लड़ना होता है। सो या रास्ता तो काफी लंबा है, एंड द मेल बॉडी इज आल्सो वेल अवेयर ऑफ इट। और इसीलिए तो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस रेस मेल बॉडी 300 मिलियन स्पर्म्स को प्रोड्यूस करती है, ताकि एटलीस्ट उन 300 मिलियन में से एक स्पर्म तो ओवम के साथ मिल पाए। वजाइना तक का राइड स्पर्म्स के लिए एकदम स्मूथ हो, इसीलिए पेनिस के स्टार्ट में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स सीमन में म्यूकस को ऐड करते हैं, और रेस खत्म होने तक एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स सीमन में फ्रुक्टोस ऐड करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वजाइना का एसिडिक एनवायरमेंट स्पर्म्स को झुलसा ना दे, इसीलिए प्रोस्टेट ग्लैंड्स कुछ बेसिक बफर्स पैक करके देते हैं ताकि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके। सो यू कैन सी फीमेल बॉडी के इतने हार्श एनवायरमेंट में घुसने के लिए मेल बॉडी भी काफी यार बैठा है। एंड नाउ द रेस स्टार्ट्स। सो समझ लो 62nd डे पर मेल फीमेल में सेक्स हुआ और फीमेल वजाइना में सीमेन डिपॉजिट हुआ। अब इन स्पर्म्स के पास बस सिर्फ 30 मिनट्स होते हैं अपने आप को फ्री करके सारी मुश्किलों से लड़के यहां पर ओवरी के पास पहुंचने के लिए। एंड नाउ यू वोंट बिलीव बट इन 300 मिलियन स्पर्म्स में से सिर्फ 100 स्पर्म्स ही ये रेस को कंप्लीट कर पाते हैं। बट एट द एंड जीतता तो बस सिर्फ एक ही है, जिसमें इतनी ज्यादा एनर्जी और स्ट्रेंथ होती है कि वो ओवम के डबल लेयर्ड कवच कोरोना रेडिएटा और जोन पेलुसिडा को पेनिट्रेट करके से पहले अंदर घुस के ओवम के साथ फर्टिलाइज हो पाया। सिर्फ वही इकलौता स्पर्म विनर होता है, क्योंकि यहां पर देयर इज नो सेकंड और थर्ड पोजीशन। फर्स्ट के अंदर घुसते ही बाकी के सभी स्पर्म्स के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। बट आर विनर स्पर्म ऑन द अदर हैंड डे 62nd के खत्म होने के अंदर ही अपना सफर तय करके फाइनली ओवम के साथ फ्यूज होकर जायगोट को फॉर्म कर लेता है। जायगोट एक ऐसा सेल है जो अब से ठीक 9 महीने बाद एक जीता जागता फुल्ली डेवलप्ड और कॉन्शियस बेबी फॉर्म करेगा। बट अभी तक रेस खत्म नहीं हुई है, द रेस इज स्टिल ऑन, क्योंकि अभी इसी जायगोट को वापस नीचे यूटेरस में जाना होगा, वो यूटेरस में yes, जहां पर अभी भी मां के लाखों सोल्जर सेल्स WBCs इसे फॉरेन ऑब्जेक्ट समझकर इस पर अटैक करना शुरू कर देंगे। बट इस बार जायगोट इज वेल प्रिपेयर्ड, क्योंकि उसके पास एक सुरक्षा कवच है। सो चलो अब इस 9 महीने के सफर की गिनती शुरू करते हैं, इट्स गोना बी रियली इंटरेस्टिंग। सो सबसे पहले तो जायगोट में एक्टिविटीज चालू हो जाती है, और 7th डे पर वो एक ब्लास्टुला नाम के स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाता है। ये स्ट्रक्चर यूटेरस की तरफ उतरने लगता है फॉर इम्प्लांटेशन। अब इसमें भी एक चांस होता है, अगर तब तक विमेन के पीरियड्स का 23rd डे होगा यानी कि उसका यूटेरस लाइनिंग एंडोमेट्रियम थिक होगा, तो ही 50% चांस होता है कि ब्लास्टुला अपने 7th या 8th डे तक उस पर इम्प्लांट हो पाएगा, वरना कहानी का वहीं पर दी एंड हो जाता है। बट व्हाट इफ ये ब्लास्टुला वहां पर इम्प्लांट हो पाया तो? वेल, ऐसे में ऑफ कोर्स फीमेल के मेंसेस रुक जाते हैं, एंड कांग्रेचुलेशंस, शी इज ऑफिशियली प्रेग्नेंट। सो यहां पर अब रेस तो खत्म हो जाती है, लेकिन कहानी नहीं, क्योंकि अब इस इम्प्लांटेड ब्लास्टुला को प्रॉपर न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, और इसीलिए यहां पर पिक्चर में आ जाता है प्लेसेंटा। 7th डे पर ब्लास्टुला के स्टेज पर ही एक और एक लेयर सेल्स का फॉर्म होते हुए दिखाई देता है, जिसे कहा जाता है साइटोट्रोफो ब्लास्ट, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए प्लेसेंटा नाम के एक ऑर्गन बनाना स्टार्ट कर देता है। प्लेसेंटा बेसिकली अपने 2 अम्बिलिकल आर्टरी से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स फीटस से प्लेसेंटा की ओर लेके जाता है टू बी डंप्ड इनटू दीज ब्लड वेसल्स, और रिटर्न में मैटरनल ब्लड में मौजूद न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन
इस सेंट्रल अम्बिलिकल वेन के जरिए फीटस तक पहुंचाता है ताकि फीटस के डेवलपमेंट में हेल्प कर सके। सो बेसिकली प्लेसेंटा के थ्रू ही बेबी खाना पीना सांस लेना और एक्सक्रीट करना ये सभी फंक्शंस कर पाता है और इसीलिए मेडिकल साइंस में से टेम्पररीली ही सही लेकिन एक ऑर्गन का दर्जा दिया जाता है। इनफैक्ट यू वॉन्ट इवन बिलीव बट इस ऑर्गन को बनने के लिए एक बच्चे बनने जितना ही एनर्जी लगता है क्योंकि इसके अंदर स्टेम सेल्स होते हैं जिनकी मदद से आप अपने किसी भी ऑर्गन को रिग्रो कर सकते हो और जरूरत पड़ने पर उसे आप अपनी बॉडी पर ट्रांसप्लांट भी कर सकते हो और आपकी बॉडी रिजेक्ट भी नहीं करेगी क्योंकि उसके अंदर आप ही की तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे जीन्स में मोटा होना, पतला होना या पतली आवाज होना परमानेंट है, बट एक्चुअली में वैसा नहीं है। ये सभी डिपेंडेंट है आपके हार्मोन लेवल्स पर। एग्जांपल के लिए आप अपने मसल्स और बालों के काउंट और उसकी थिकनेस को बढ़ा सकते हो बाय सिंपली वर्किंग आउट एंड इंक्रीजिंग योर टेस्टोस्टेरोन लेवल या फिर आप मैन मैटर्स का टेस्टोस्टेरोल 100% नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर कैप्सूल भी कंज्यूम कर सकते हो जो बिल्कुल आयुर्वेदिक है और मिनिस्ट्री और आयुष द्वारा अप्रूव्ड भी। इसमें गोक्षूर है, प्योर हिमालयन शिलाजी, सफेद मुसली, अश्वगंधा जैसे 20 हाईएस्ट क्वालिटी प्योर हर्बल इंग्रेडिएंट्स जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को तो बूस्ट करते ही है बट इसके साथ एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस, स्ट्रेस रिड्यूसिंग, इम्यूनिटी बूस्टिंग और साथ ही मर्दों में हेल्दी लेवल ऑफ हार्मोन्स की मेंटेनेंस का भी काम करते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये 100% वेजिटेरियन है और इसके जीरो साइड इफेक्ट्स है और इसे लेना भी बिल्कुल इजी है। बस 2 कैप्सूल एक मॉर्निंग में और एक रात को जिसे आप पानी या दूध के साथ ले सकते हो। और मैन मैटर्स कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं बनाती है बल्कि फ्री ऑनलाइन डॉक्टर का कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करती है कॉमन मैन प्रॉब्लम को लेकर। सो अगर आपको टेस्टोस्टेरोन खरीदना है या फिर फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करना है क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड स्टार्ट ऑप्टिमाइजिंग योर हेल्थ। जहां पर एक तरफ 15th डे पर यूटेरस में प्लेसेंटा बन रहा है वहीं पर दूसरी तरफ चालू हो जाता है बेबी के बॉडी पार्ट्स बनने का प्रोसेस एके गैस्ट्रुलेशन। सो ब्लास्टुला के ही कुछ सेल्स इनर सेल मास जो अब तक बस सिर्फ कुछ स्टेम सेल्स का एक गोला होता है वो 3 लेयर्स में रीफॉर्म हो जाता है। ये 3 लेयर्स होते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अब ये तीनों भी सबसे पहले अपने जेनेटिक कोड्स और आपसी सेल सिग्नलिंग की वजह से एक फ्लैट प्लेट के फॉर्म में रीअरेंज हो जाते हैं और फिर इनमें जिन जिन सेल्स को जो बनने की जिम्मेदारी दी जाती है अगेन थ्रू जेनेटिक मेकअप या सेल सिग्नलिंग वो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करना शुरू कर देते हैं और फिर रफली उसके कुछ दिनों बाद एक्टोडर्मल सेल्स नर्वस सिस्टम और स्किन का बेस बनाना शुरू कर देते हैं, एंडोडर्मल सेल्स सारे इंटरनल ऑर्गन्स की नींव रखना शुरू कर देते हैं और मेसोडर्मल सेल्स इन स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच मसल्स और बोन से जगह भरने का काम शुरू कर देते हैं। बट इन सभी कॉम्प्लेक्सिटीज के बीच 2 स्पेशल ऑर्गन्स के लिए सबसे पहले से ही जगह बनाकर रख दी जाती है। यस यू गेस इट राइट, आपका ब्रेन और आपका हार्ट। और इसीलिए आउट ऑफ ऑल दी ऑर्गन्स 38 डे पर आपको ब्रेन की नींव यानी कि न्यूरल ट्यूब और नोटोकॉर्ड और साथ ही में हार्ट का फाउंडेशन यानी कि हार्ट ट्यूब या आयोटा का बेसिक स्ट्रक्चर दिखना शुरू हो जाता है और इसी के साथ डे 30 एंड्स। सारे ऑर्गन्स हार्ट एंड ब्रेन अपने स्टेज नंबर 1 पे होते हैं और यहां से शुरू होगी द जर्नी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। अब कुछ ही दिनों में इस सेल मास की सबसे पहली धड़कन धड़केगी, इस मास के अंदर खून बहना शुरू होगा और उसके कुछ ही दिनों बाद इस फीटस के अंदर आएगी जान। सो डे 31 के शुरू होते ही सारे ऑर्गन्स पैरेलली एक साथ डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। दोनों आयोटास जो हार्ट को जन्म देने वाले हैं वो एक दूसरे के नजदीक आना शुरू हो जाते हैं और 2 से 3 दिनों के अंदर फ्यूज होकर एक बड़ा सा ट्यूबुलर मस्कुलर रीजन बनाते हैं। और अब कुछ ही पलों में पहली धड़कन सुनाई देगी क्योंकि इस ट्यूबुलर रीजन के मसल्स में कैल्शियम आयोन्स बर्स्ट होना शुरू हो जाते हैं और उन बर्स्ट की वजह से ये रीजन रैंडमली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने लगता है। वेल यही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन तो हमारी हार्ट बीट है। सो यस, प्रेगनेंसी के 5th वीक में ही आप अपने बच्चे की धड़कने सुन सकते हो। बस सिर्फ बात इतनी होती है कि बहुत ही ज्यादा रैंडम होती है क्योंकि अभी तक ब्रेन पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ होता है एंड एज यू नो ब्रेन रेगुलेट्स द हार्ट बीट्स। इनफैक्ट नोटोकॉर्ड पूरे बॉडी में न्यूरल नेटवर्क बिल्ड करके हर एक ऑर्गन से कनेक्ट करने लगता है ताकि एक ब्रेन बन सके जो कनेक्टेड हो सके उन सभी ऑर्गन्स के साथ और ब्रेन उन सब पर अपना कंट्रोल ला पाए। और रही बात रेस्ट ऑफ द बॉडी की तो ये लार्वा या फिर वर्म जैसा स्ट्रक्चर डे 40 तक बन जाता है जिसमें ये बल्जेस आगे चल के हाथ और पैर में ग्रो होंगे। ये डार्क एरिया आईज में तब्दील होगा और ये पूरा कर्व हमारी स्पाइन में और अब यहां से स्पीड पकड़ेगा ब्रेन डेवलपमेंट। डे 40 से 44 के बीच न्यूरॉन्स के काउंट रैपिडली बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हार्ट का वो रीजन एस शेप में बेंड होकर 4 मेन चेंबर्स, 2 एट्रियास और 2 वेंट्रिकल्स फॉर्म करने लगता है और हाथ और पैर भी ग्रो होना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी बीच ब्रेन में चल रहा होता है टिंडर वाला खेल। न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कनेक्शंस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं
एंड हियर वी गो, द फर्स्ट स्पार्क। ब्रेन के किसी दो रैंडम न्यूरॉन के बीच फर्स्ट इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है और यहीं से शुरू होते हैं ब्रेन के इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस और सबको अपने कंट्रोल में लाने का दौर। बॉडी में सब कुछ सिमिलर स्पीड से ग्रो हो रहा है, ब्रेन अपने कनेक्शंस बिल्ड कर रहा है और हार्ट के चेंबर्स के बीच वाल्व्स और सेपरेशंस क्रिएट होना शुरू हो चुके हैं। हार्ट बीट्स 110 से 170 बीपीएम के बीच फ्लक्चुएट कर रही है और न्यूरल ट्यूब्स अब क्लोज होकर स्पाइनल कॉर्ड, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन फॉर्म करने लग रहे हैं। और अब आएगा वो पल जब बच्चे में आएगी जान, जिसे कॉन्शियसनेस भी कह सकते हो। हार्ट और ब्रेन पूरे बनके रेडी हो चुके हैं और ब्रेन अब हार्ट और पूरे बॉडी को अपने कंट्रोल में ले लेता है, यानी कि अब दिल की धड़कनें भी दिमाग के कंट्रोल में आ चुकी है और इसीलिए अब बच्चा हो जाता है कॉन्शियस। काइंड ऑफ लाइक ब्रेन वो कॉन्शियसनेस का सॉफ्टवेयर आपके शरीर के हार्डवेयर में इंस्टॉल कर देता है और आपको ये दुनिया अनुभव कराता है। अब दिमाग सोचना भी चालू कर देता है और अब तक सारे ऑर्गन्स उतना डेवलप हो चुके होते हैं कि उनका एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर दिखना शुरू हो जाता है और इसी के साथ अंत होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी फर्स्ट 3 मंथ्स का। नेक्स्ट ट्राइमेस्टर के शुरू होते ही फीटस अब उतना बड़ा हो चुका होता है कि वो हिलना और कर्लिंग जैसे मूवमेंट शुरू कर लेता है। लेकिन रुको जरा, अब एक बार ऑल इज वेल तो बोलो। ओए, किक मारा। यस, लगभग चौथे महीने के अंत में या 5वें महीने के जस्ट शुरुआत में, जब ब्रेन बोन हेल्थ और स्ट्रॉन्ग जॉइंट डेवलपमेंट के लिए पैरों और हाथों को मूव करने का सिग्नल देता है, तब वो फीलिंग मदर को एक किक के जैसे फील होती है और यहां से शुरू होता है वो वक्त जब बच्चा अपनी माँ को अच्छे से जानने और पहचानने लगता है। यही वो वक्त है जब माँ को स्लो म्यूजिक सुनने की और अपने बच्चे से बात करने की एडवाइस दी जाती है, क्योंकि इस पीरियड में फीटस के सारे सेंसेस डेवलपिंग स्टेज में होते हैं और वो माँ की आवाज से निकले वाइब्रेशंस को अच्छे से सुन सकता है, अपने माँ के खाए हुए खाने को एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू टेस्ट कर सकता है और इसीलिए इस पीरियड से बच्चे के साथ बात करने से बच्चा पेट में ही अपनी माँ की आवाज से फेमिलियर हो जाता है। उसके ब्रेन को ये समझ जाता है कि ये आवाज कोई थ्रेट नहीं है बल्कि एक सेफ प्लेस है और इसीलिए जन्म के बाद इस दुनिया की शोर में उसे उसकी माँ की आवाज ही शांत कराती है। इसके बाद फीटस का ब्रेन डायफ्राम और चेस्ट मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का डायरेक्शन देता है, विच इन सिंपल वे इज जस्ट ब्रीदिंग प्रैक्टिस। और इसी प्रैक्टिसिंग में खत्म होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर। अब थर्ड ट्राइमेस्टर के शुरू होते ही चालू हो जाता है बच्चे के ब्रेन एक्टिविटीज और न्यूरल एक्टिविटीज रैपिडली डेवलपमेंट होना शुरू। ब्रेन का साइज बढ़ने लगता है और आप मानोगे नहीं पर लगभग 126th डे पर जिस ब्रेन का साइज 34 ml का था वो अब लगभग 100 दिनों में ही 10 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि अब ब्रेन ज्यादातर अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाना शुरू कर चुका होता है। यहाँ तक कि सभी ऑर्गन्स ऑलमोस्ट डेवलप हो चुके होते हैं और जो सिर्फ बचा रहता है वो है लंग्स का डेवलपमेंट। अब ये सबसे लास्ट में डेवलप क्यों होता है, इस पर कोई क्लियर आइडिया कोई PhD किया हुआ माँ का लाल नहीं दे पाया है, लेकिन जैसे ही लंग्स डेवलप हो जाते हैं द प्रोसेस कंप्लीट्स। इट्स टाइम टू डिलीवर अ बेबी। ऐसा कहा जाता है कि इस लेबर पेन की शुरुआत फीटल लंग में मौजूद प्रोटीन द्वारा किए एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से होता है, लेकिन अब तक इस पर भी कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया। बट एक बात तो साफ है, लेबर पेन बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होता है और जैसे ही फर्स्ट एंडोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है माँ का पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन सेक्रीट करने लगता है भारी मात्रा में। ये हार्मोन और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर देता है जो इन टर्न और ज्यादा ऑक्सीटोसिन सेक्रीट करता है एंड द साइकिल कंटिन्यूज एंड कंटिन्यूज जब तक बेबी बाहर ना आ जाए। और जैसे ही बेबी बाहर आता है उसके लगभग 5 से 30 मिनट के बाद प्लेसेंटा बाहर आ जाता है, एक ऐसा ऑर्गन जो थर्ड ट्राइमेस्टर में मां से एंटीबॉडीज बेबी तक और बेबी से स्टेम सेल्स मां के वुंड्स तक भेज रहा था ताकि दोनों तंदुरुस्त रहे। एंड विद दिस फ्रेंड्स कंप्लीट होता है हाउ अ बेबी इज बॉर्न का पूरा प्रोसेस। अब आप बताओ कैसे लगा आपको ये स्पर्म्स और एग्स से लेकर पूरे चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस। Isn't it very miraculous, magical, exhilarating and beautiful? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे कुछ भी नया सीखने मिला एक लाइक जरूर ठोकना। Get Self Life Science चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जो आपका ज्ञान बढ़ाते रहेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले मैन मैटर्स टोस्टेरो को बाय करना मत भूलना। फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन का कूपन कोड भी आपको नीचे मिलेगा, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।